everyone, assalamu alaikum. This is me, Rika Kashif. Welcome back to my YouTube channel. So guys, finally the most requested video is here, my skincare routine. Ta-da! तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि रबीका की स्किन पर रबीका क्या यूज करती है, रबीका की स्किन इतनी अच्छी क्यों है, सारे राज आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। लेकिन उससे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो या जान के नहीं करते या पता नहीं क्या, ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वीडियोस आपको ऑन टाइम देखने को मिलेंगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसे जाके सब्सक्राइब करो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे जल्दी। आई एम वेटिंग। कर लिया सब्सक्राइब भाई, चलो शुक्र है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू द वैनिटी। कब से यू गाइज रिक्वेस्टिंग मी कि आप प्लीज अपनी स्किन केयर वीडियो शेयर कीजिए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर कीजिए, ताकि हमें आइडिया हो कि आपकी स्किन इतनी क्लियर कैसे है। आपकी तो इतना मेकअप होता है, ढाई ढाई किलो का मेकअप होता है, फिर भी इतनी क्लियर स्किन है यार, माशाल्लाह, प्लीज जरूर बोलना। बट इस क्लियर स्किन के पीछे बहुत बड़ा राज है, वो बहुत बड़ा राज है मेरी स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं वीक में दो दफा करती हूँ, ट्वाइस अ वीक, जिसमें मैं बताती हूँ मैं क्या क्या यूज करती हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ मेरी वैनिटी पर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को पूरी स्किन केयर रूटीन लाइक प्रोडक्ट्स यूज करके भी बताऊंगी, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये पॉन्ड्स का फेस वॉश है जो कि मैं यूज करती हूँ, मेरे ख्याल से ज्यादातर मेजॉरिटी ये वाला फेस वॉश यूज करती होगी, ये बहुत अच्छा रहता है। बट ये अभी मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ, बहुत जल्द इससे भी बड़ी न्यूज आने वाली है, रियली वॉन्ट टू टेल यू, ताकि एक्साइटमेंट लेवल आपका एक नेक्स्ट लेवल तक चले जाए, बड़ा सरप्राइज आने वाला है इंशाल्लाह। रबीका अभी नहीं, बस थोड़ा सा वेट कर लो, आगे आपको बताना ही है। तो मैं बड़ी ये बातें समझाती हूँ कि रबीका काम डाउन फोकस, तो इसलिए खैर एनीवेज, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, तो जरा आप लोग सोचे आपके क्या सी होने वाला है। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ये लगा लूँ ताकि मेरे बाल खराब ना हो। Here I am, 2000 years later. So guys, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस क्लींजिंग मिल्क के बारे में। मेकअप जब हम करते हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो आकर फौरन फेस वॉश कर लेते हैं फेस वॉश से, उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, खराब हो सकती है, तो प्लीज ये मत किया कीजिए। सबसे पहले आपका काम है, जब मेकअप हुआ हुआ तो सबसे पहले आपने करनी है क्लींजिंग। तो ये एसएल का क्लींजिंग मिल्क है जो कि मैं यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। अभी वैसे मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यूज करके दिखा देती हूँ कि मैं कैसे यूज करती हूँ, उसके तरीकेकार क्या है। सबसे पहले अपने क्लींजिंग मिल्क को अपने ड्राई फेस पर अप्लाई करना है, 50 टू 60 सेकेंड तक आपने मसाज करना है, आपके फेस पे जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो सब रिमूव कर देता है ये क्लींजिंग मिल्क। तो आप फेस वॉश कर लीजिए, मेरे पास ये स्पंज है जो कि मैंने वॉश कर लिया, चाहे तो फेस वॉश भी कर सकते हैं स्पंज के जरिए, आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। देख रहे होंगे मैंने पोनीटेल भी बांध दी है, वो इसलिए क्योंकि मैं स्किन के साथ साथ फेस के साथ साथ नेक पर भी यू नो मसाज करती हूँ, ताकि मेरी नेक भी क्लियर रहे। तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे स्क्रब, ये हनी एंड आलमंड वाला स्क्रब मैं यूज करती हूँ। बेसिकली मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई प्लस ऑयली है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हनी एंड आलमंड वाला सबसे बेस्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लोग जब जाएंगे ये परचेज करने तो वो आपको यू नो गाइड कर देंगे। अच्छे से हम स्किन पर स्क्रबिंग करेंगे 2 to 3 minutes तक, स्क्रबिंग कर ली है इसको, हम थोड़ी देर तक इसी तरह से छोड़ देंगे, फिर फेस वॉश कर लेंगे। सो वेट फॉर
15 seconds. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. अब हम फेस वॉश कर लेंगे. वेट. फेस मैंने वॉश कर लिया है. मैं आप लोग को एक और सीक्रेट बताने जा रही हूँ. मैं कभी भी फेस वॉश करके टॉवल यूज नहीं करती. टॉवल के मैं सख्त खिलाफ हूँ. वैसे मैं शावर लेते हुए भी टॉवल यूज नहीं करती, क्योंकि टॉवल अगर आप सर पे बांधे रखो ना तो आपका हेयर फॉल बढ़ता है, डेंड्रफ होती है. तो इसलिए टॉवल तो मैंने अपनी जिंदगी से हटा ही दिया है. अगर आप लोग की जिंदगी में भी टॉवल है, तो प्लीज आप उसको साइड कर दें. कभी भी फेस पे और बाल पे टॉवल मत यूज किया करें. मेरे पास ये सॉफ्ट सा कपड़ा है अजरक प्रिंट का, और ये इतना सॉफ्ट है मैं इसको अपने फेस पे रखती हूँ, ये फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है. की बहन की डार से कल आ रहे. खैर, अब हम लगाएंगे मास्क. वेट. मास्क मेरे पास है ये मड मास्क. बेसिकली ये मड मास्क मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है ऑयली प्लस ड्राई, तो इसलिए कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट है. आप लोग चाहे तो अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हैं. अब मैं मास्क लगाऊंगी. ये आप लोग देख सकते हैं बहुत थिक है ये, तो हम इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर लगाएंगे, लाइक फेस को कवर करेंगे. देख सकते हैं आप, दोनों साइड से कवर हो चुका है. अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी ऐसी. तो 15 से 20 मिनट तक हमें वेट करना है, और वेट करना ना मुझे बहुत बुरा लगता है, और इस तरह की शक्ल तो मुझे बहुत ही बुरी लग रही है. लेकिन क्या करूं, आप लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करें, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है. तो प्लीज कोई कॉमेंट मत करना इस फेस पे. एनीवेज, जब हम ये मास्क रिमूव करेंगे उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगी. भाई मैंने सोचा कि 15 से 20 मिनट तक तो हमें वेट करना ही है, तो मैं आप लोगों को और चीजें बता देती हूँ. ये मेरे पास है कोकोनट बॉडी वॉश. मैं ये वाला बॉडी वॉश यूज करती हूँ. बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. कोकोनट, आई लव कोकोनट, इसलिए मैंने कोकोनट वाला लिया है. खैर, यहाँ पे मेरे पास है बॉडी बटर, कॉफी बॉडी बटर. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है गाइस, ट्रस्ट मी. दिल चाहता है इसको स्मेल ही करते रहो, ये बहुत अच्छा है. तो ये आप अपनी बॉडी, ये भी बहुत ही थिक फॉर्म है, तो अच्छे से आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं, हैंड्स पर, लेग्स पर. सो 20 मिनट्स हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे मड मास्क का हाल क्या हो चुका है. ये पूरे तरीके से ड्राई हो चुका है, तो हम इसको वॉश ही करेंगे. इस तरह से हम स्पंज से साफ नहीं कर सकते, तो चलिए करते हैं वॉश. है तो ये मेरे 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं. साथ ही साथ फेस मैंने वॉश कर लिया, तो मास्क के बाद मैं लगाऊंगी टोनर. अच्छा, ये जो एसल का टोनर है रोज एंड हनी का, ये एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज होता है. मैंने आप लोगों को बताया था शाइस्ता के शो में, पता नहीं आप लोगों को याद है क्या नहीं, बट अभी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सेटिंग स्प्रे के लिए भी यूज होता है, जब आप स्किन केयर कर लें उसके बाद भी यूज होता है. मेरे डार्क सर्कल्स कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास ये आईके ऑर्गेनिक का है कैफीन सीरम. ये मैं लगाती हूँ अपने अंडर आई पर. इसके साथ साथ मेरे पास है ये लिप सीरम, ये भी मैं लगा के सोती हूँ. सो फाइनली मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन आप लोगों को बता दी है, लिप सीरम लगा के, और ये मैंने जो अंडर आई पर लगाया है कैफीन सीरम, ये मैं लगा के सो जाती हूँ. तो आप लोग भी ये लगा के सो जाया करें, ठीक है. अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आप इतनी धूप में बाहर जाती हैं फिर भी आप टैन नहीं होती. तो अब मैं आप लोगों को उसका राज बताती हूँ. बचपन से सुना होगा सनब्लॉक लगाएं. बचपन में तो इतना पता नहीं था, तो हम सनब्लॉक कभी नहीं लगाते थे. लेकिन अब सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी हो गया है, समझे.
आप लोग जैसे वॉलेट रखते हैं, आप लोग वॉलेट रखना जरूरी है, वैसे ही सन ब्लॉक बैग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एसएल का ही सन ब्लॉक है जो कि सन रेजेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। हम अमूमन ये गलती करते हैं कि सन ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ अपने फेस के एरिया पर अप्लाई करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपने हैंड्स पे अप्लाई करें, अपनी नेक पे अप्लाई करें। मेजॉरिटी ऐसी है जिनको ये बात नहीं पता, फेस के साथ साथ आपने अपनी नेक पर भी अप्लाई करना है। जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो, जो जो एरियाज आपके खुले हुए हैं, लाइक अगर आपके हाथ खुले हुए हैं तो पूरे हाथ पे आप सनब्लॉक अप्लाई करेंगे। अगर आपकी टोज, अगर आपका एंकल खुला हुआ है, एंकल पे अप्लाई करेंगे, फिंगर्स पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम हील्स पहनते हैं तो जो हील्स ढकी हुई होती है वो एरिया तो बच जाता है, बाकी फिंगर्स वगैरह जो है वो टैन हो जाती है। मैं सनब्लॉक नहीं हूँ, जरा सा भी नहीं छोड़ती, कहीं भी बाहर जाऊँ, इनफैक्ट मैं घर में भी लगा के रखती हूँ। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सनब्लॉक। तो ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन, सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, और मैं वीक में 2 दफा अपना स्किन केयर करती हूँ। सारी लड़कियां बहुत खुश हो गई होंगी मेरी स्किन केयर रूटीन देख के। कब से आप लोग फरमाइश कर रहे थे और मैं कब से टाल रही थी, लेकिन इस दफा मैंने कहा कि नो, इस बार बनानी है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो ऐसे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग, मैं यही रेकमेंड करूंगी आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। सरप्राइज की जो मैंने बात की वो इसी एयर आप लोग को मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ में याद रखें, अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखा करें जिस तरह से आप लोग रखते हैं। बस मैं नई नई वीडियोस के साथ आप लोग के सामने हाजिर होती रहूंगी। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।